आज हम लास्ट क्लास में जहाँ से अपने टॉपिक को एंड किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो भारत के संबंध में महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में डिस्कस किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आप में से जो भी अभी क्लास में एबसेंट रहे होंगे वो लास्ट हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिस्कशन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मुझे बताते चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर्स। सबसे जब से मैं एक मैप ड्रॉ करूं भारत का रफ, जी बताइए मुझे। भारत की सब गल्फ कंट्रीज, हाँ जी, सऊदी है ना, और उसकी करेंसी सऊदी रियाल सर। हाँ हाँ, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ठीक, जिसकी करेंसी सर दिरहम, दिरहम हाँ, और फिर सर कतर, ठीक, कतर की करेंसी सऊदी रियाल, राइट, कुवैत, ठीक, कुवैती दिनार, कुवैती दिनार, राइट, बहरीन, बहरीन की सर दिनार, बहरीन की दिरहम, ठीक, ओमान की रियाल, ठीक, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले एक बार मोहित पूरा रिवीज करो फटाक से जल्दी से, एक बार पूरा। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल, ठीक है, सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल, और यूएई की दिरहम, यूएई की दिरहम, राइट, कतर की सऊदी रियाल, कतर की सऊदी रियाल, ठीक, कुवैत की कुवैती दिनार, हाँ कुवैत की कुवैती दिनार, राइट, बहरीन की दिनार, हाँ, बहरीन की दिनार और ओमान की रियाल। देखिए ये सब मैंने क्या बता दिया, ये सब वो देश हैं बेटा, इन्हें खाड़ी के देश कहा जाता है, या इनसे समझिए ये देश ऐसे हैं जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कच्चा तेल निकाला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का प्रमुख, सबसे प्रमुख एलिमेंट क्या है? ऑयल, फ्यूल। ठीक है, समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज किससे चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन किससे चलेगा, ये सब कुछ किससे चलेगा, ये सब कुछ किससे चलेगा, जब आपके पास पेट्रोलियम होगा। क्या होगा? पेट्रोलियम। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, भारत में कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है जहां से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। भारत का एकमात्र एक ठीक ठाक क्षेत्र कह सकते हैं जो कि बॉम्बे हाई है। कहां पे बेटा? बॉम्बे हाई, ठीक, एकमात्र क्षेत्र जहां से अभी भी हमको ठीक ठाक अमाउंट में चीजें मिल रही हैं। लेकिन भारत में होता क्या है फिर? ठीक है, कल एक बहुत अच्छी इमेज मैंने देखी थी, ऐसा इमेज था कि भारत और रशिया एक पाइप से नारियल पानी पी रहे हैं, ठीक है, और फिर भारत के मुंह में लगा करके यूरोप नारियल पानी पी रहा है। मतलब समझिएगा, मैं उसको मतलब जाहिर नहीं कर सकता, उस इमेज को दिखा सकता, थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं कि इमेज थोड़े से ठीक ठाक नहीं है दिखाने लायक, लेकिन आप समझिए हो क्या रहा है। मैं इसको ट्रायंगुलर शेप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर रूस है, ठीक है, यह है इंडिया और यह है पूरा यूरोप, ठीक। भारत और रशिया की इस समय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है, भारत खरीद रहा है रूस से पेट्रोलियम, किससे? पेट्रोलियम। और क्योंकि यूरोप की लड़ाई चल रही है, क्यों लड़ाई चल रही है? क्योंकि यूरोप के मैक्सिमम जो देश हैं वो नेटो के सदस्य, किसके? नेटो के। दो तीन प्रश्न अभी पूछने वाला हूं मैं आपसे। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन नोट करिए आपका आज का, नेटो कब बना, नेटो कब बना, ठीक है, नेटो कब बना, और यूक्रेन का रशिया से जो विवाद हुआ है उसमें नेटो की क्या भूमिका है? पढ़ के आएगा, पूछूंगा कल सबसे। और आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी कमेंट करके इस विवाद को समझ सकते हैं। देखिए जब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं समझते तब तक आपकी जीएस की पढ़ाई ठीक ठाक नहीं है, तो याद रख लीजिएगा। आपके आस पास होने वाली सारी चीजों का रिलेशन इससे है, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कि जो रशिया का यूक्रेन से विवाद चल रहा है उसमें नेटो की क्या भूमिका है?
ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझो, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबको पेट्रोलियम चाहिए। रशिया पेट्रोलियम देने वाला कंट्री था, लेकिन रशिया से लड़ाई हो गई। बहुत सारे राष्ट्र किसके सदस्य हैं, यूरोपियन कंट्री बहुत सारे किसके सदस्य हैं, नेटो के। और नेटो को आप पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। अब जो राष्ट्र नेटो सदस्य हैं, नेटो विरोध में है रशिया के, तो वो रशिया से पेट्रोल खरीद नहीं सकते। तो वो क्या हो रहा है, रशिया बेच रहा है किसको, इंडिया को, और इंडिया किसको बेच रहा है, यूरोप को। समझो ये कहानी चल रही है। इसलिए भारत, यही कह रहा हूं कि ये मान लो नारियल पानी है, तो एक दूसरे लोग, ये सभी लोग एक नारियल पानी में क्या पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं एक ही में पाइप डाल करके, और उसके बाद भारत से कौन पी रहा है, यूरोप। बात समझ में आई आपको? तो पहली चीज तो ये याद रखो कि इसका कहानी क्या है, ठीक। तो देखिए, जो पेट्रोलियम कंट्रीज होती हैं, पेट्रोलियम जो कंट्रीज होती हैं, उनके पास कच्चा तेल होता है। भारत में मूलतः क्या होता है, भारत में ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां से हम पेट्रोलियम, जैसे सबसे पहला जो क्षेत्र था बेटा वो डिगबोई आसाम था। कौन सा, डिगबोई आसाम, ठीक। सबसे पहला क्षेत्र कौन सा था, डिगबोई आसाम, जहां से हमको पेट्रोलियम प्राप्त होता था। उसको तो हम भारत में बड़े पैमाने में करते क्या है, इसको समझ लीजिए दिमाग में अपने। हम भारत में बड़े पैमाने पर करते हैं बेटा क्या, रिफाइनरी। क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइन मतलब शोधन करते हैं, साफ करते हैं। कच्चा तेल आता है उसे साफ करते हैं और बेचते हैं, ठीक। ये हमारे देश का सबसे बड़ा बिजनेस हो गया, मान लीजिए पेट्रोलियम की दिशा में। अगर हमारे यहां होता होता कच्चे तेल होते, हमारे यहां कच्चा तेल होता, तो हम मान लेते कि क्या यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर आराम से हो रहा है, तो हमारे यहां शायद पेट्रोल की प्राइस थोड़ी सी कम होती। लेकिन हमारे यहाँ कच्चा तेल होता नहीं है, हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको, सॉरी इंपोर्ट करते हैं कच्चे तेल को, और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं किसको, जो तेल रिफाइन हम कर लेते हैं अपनी जरूरतों को, अपने देश में यूज करते हैं। चाहे बीपीएसएल ले लीजिए, बीपीसीएल ले लीजिए, आईओसीएल ले लीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ले लीजिए, ये सारी कंपनी यही काम करती हैं। और एक बात और, पेट्रोल की प्राइस पर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि इसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट पर चलती है। इस पर जो टैक्स इंपोज होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में पेट्रोल 97 रुपीस है, और आज सतना में पेट्रोल 110 रुपए है, क्योंकि यूपी का टैक्स अलग है और मध्य प्रदेश का टैक्स अलग है, ठीक। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स यूपी में भी एक जैसा होगा और मध्य प्रदेश में भी एक जैसा होगा, ये याद रख लीजिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए कहा जाता है कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आए, जीएसटी के दायरे में ले। ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप बहुत सारे टर्म बोल गया ना, सबसे पहले लिखो बेटा, लिखिए ओपेक क्या है, ओपेक, ओपेक क्या है, हाँ ओपेक, ओ पीई सी, ओपेक, ओपेक क्या है, यह कब बना, क्या भारत इसका सदस्य राष्ट्र है, क्या भारत इसका सदस्य राष्ट्र है, क्या भारत इसका सदस्य राष्ट्र है, ठीक। अगला, मैंने अभी एक टर्म और बोल दिया आपको, जीएसटी, तो लिखिए जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी कब लागू हुआ, तत्कालीन वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री और भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही थे, तत्कालीन वित्त मंत्री और भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तत्कालीन मतलब जिस वक्त यह लागू हुआ उस वक्त वित्त मंत्री और भारत के राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कब लागू हुआ, लिखो एक क्वेश्चन और, जब जीएसटी लागू हुआ तो भारतीय संविधान में कौन से क्रम का संशोधन किया गया, जब जीएसटी लागू हुआ तो भारतीय संविधान में कौन से क्रम का संशोधन किया गया। ये जो शब्द मैंने बोले उनसे क्वेश्चंस बन गए, जीएस ऐसा ही है, ठीक है। जब जीएसटी लागू हुआ तो भारतीय संविधान में कौन से क्रम का संशोधन किया गया या हुआ, ठीक। पढ़ के आएगा, मैं कल आपको इन सब का आंसर पूछूंगा भी और आंसर बताऊंगा भी आपको, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। जब जीएसटी लागू हुआ तो भारतीय संविधान में कौन से क्रम का संशोधन
किया गया। ठीक, तो अब मेरी बात समझ लीजिए, जो भी पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्र हैं उनके आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत यही है, और इसलिए उन कंट्रीज में पैसा ठीक ठाक है, और क्योंकि उन देश में बेटा पैसा है उस देश में लोग कमाने जाते हैं, इसीलिए लोग गल्फ कंट्रीज कमाने जाते हैं, खाड़ी के देशों में कमाने जाते हैं, क्योंकि वहां पर पेट्रोलियम और उससे जुड़े हुए सारे बिजनेस बड़े अच्छे फलते फूलते हैं। क्योंकि सबकी बेसिक नीड क्या है? ऊर्जा, और ऊर्जा की बेसिक नीड क्या है? पेट्रोलियम। ठीक, समझ रहे बात को? सोचिए पेट्रोलियम नहीं होगा तो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, ट्रक नहीं चलेंगे, आपके ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, ये सब अगर रोक दिया जाएगा तो क्या आज की दुनिया चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसलिए जिन देशों के पास ये है वो सबसे ज्यादा पैसे वाले, और पूरी दुनिया में लड़ाई ही इसी बात की है जो कितना ज्यादा पेट्रोलियम पर कब्जा कर लिया जाए। अभी आपने अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखा था, अफगानिस्तान में अमेरिका बहुत लंबे समय तक रहा और अंतोगत्ता अमेरिका को जाना पड़ा। अब अफगानिस्तान में क्यों रहा पढ़िएगा कभी इसके बारे में, ठीक, मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए, ये खाड़ी के देश हैं या ये सारे गल्फ कंट्रीज हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, मद्रास या चेन्नई की स्थापना किसने की? हाँ, मद्रास या चेन्नई, भारत का सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? मद्रास। कौन सा? मद्रास। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम? जबलपुर। ठीक, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर, और भारत का? मद्रास। अब मेरी बात एक लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, एक भूल गया मैं, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में कब स्थापित की गई? यह किस जिले में आती है? यह किस जिले के अंतर्गत आती है? यह किस जिले के अंतर्गत आती है? यह किस जिले के अंतर्गत आती है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। गोवा में पुर्तगाली कब आए? हाँ, तो ये पहले इसका आंसर बताइए मुझे। 1510 में कौन किया था? वास्को डी गामा। नहीं जी, नानू डी कीना। ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा। मद्रास, फिर मद्रास से अधिपत्य गया, फिर रानी कैथरीन का एक ब्रिटिश राजा के साथ शादी हुआ। रानी कैथरीन किसकी थी? पुर्तगाली रानी थी, और राजा कौन सा था? ब्रिटेन का, यानी कि अंग्रेज था। उन दोनों की आपस में शादी हुई तो दहेज में मुंबई मिला। क्या मिला? मुंबई दहेज में मिला इसको, राजा को। फिर राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई लीज पर बेच दिया, दे दिया कि तुम इसको डेवलप करो। फिर उसको डेवलप किया किसको? मुंबई को डेवलप किया अंग्रेजों ने। तो ध्यान सुनो, पुर्तगालियों ने डेवलप किया मद्रास को, और मुंबई को किसने डेवलप किया? अंग्रेजों ने। कलकत्ता को किसने डेवलप किया? अंग्रेजों ने। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के। कलकत्ता की स्थापना कलकत्ता गोविंदपुर सूतानाती, गोविंदपुर सूतानाती और कालीकाता, इनको मिला करके कलकत्ता की स्थापना की गई थी, और कलकत्ता अंग्रेजों की साम्राज्य की प्रथम राजधानी बना था। सूतानाती, गोविंदपुर, कालीकाता को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था, और जिसने स्थापना की थी उसका नाम था जॉब चारनाक। क्या नाम था? जॉब चारनाक। ठीक है, सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था, और जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? जॉब चारनाक। हम पढ़ेंगे अभी मॉडर्न हिस्ट्री में सब चीज, सबका लिंक बताऊंगा आपको। ठीक, चले तो बेटा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से मोहित। कौन सा बंदरगाह है जिसे श्रीलंका ने चीन की मदद से डेवलप किया? हाँ, जो डेवलप किया चीन ने, सपने दिखाए कि आप अपने यहां, ये मान लो श्रीलंका है, ठीक है, यहां मानिए ये श्रीलंका है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे श्रीलंका है, और श्रीलंका के इस जगह पर यहां पर एक पोर्ट डेवलप किया, ठीक है, श्रीलंका में एक पोर्ट डेवलप हुआ, ठीक है, उसका नाम क्या हुआ? हम्बनटोटा। क्या नाम बेटा? हम्बनटोटा, हम्बनटोटा। एक बार हम्बनटोटा की लोकेशन देखिएगा, श्रीलंका में इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली यहां पर नहीं है हम्बनटोटा, और यहां पर हम्बनटोटा पोर्ट है। हम्बनटोटा को डेवलप करने के लिए पैसा किसने दिया या डेवलप किसने किया? चीन ने। सपने दिखाया कि आप इसको डेवलप कर लो, आपके इधर से जितनी भी शिप जाया करेंगी उससे टैक्स लेना। क्या लेना?
टैक्स देना, और जब टैक्स लोगे तो हमको हमारा कर्जा पटा देना, क्या दिक्कत है, ले लो हमसे कर्जा। श्रीलंका ट्रैप में फंस गया, श्रीलंका को जब कर्जा दिया गया तो श्रीलंका ने अपना पोर्ट डेवलप किया, लेकिन उस पोर्ट से इतनी कमाई नहीं हो पाई, और अब आधिकारिक रूप से यह जगह किसकी हो गई, चीन की। जब तक पटा नहीं दोगे तब तक हमारी है। तो अब इस समय हम्बन टोटा का जो मेंटेनेंस है, आई थिंक अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, उसको भारत देख रहा है, भारत इसका यूज कर रहा है, भारत जो पैसे देगा उससे श्रीलंका कर्जा पटाया किसका, चीन का। श्रीलंका इसी तरह के काम कर रहा है, याद रखिएगा। तो हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में है, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए पैसा किसने दिया था, चीन ने, लेकिन श्रीलंका कर्जा पटा नहीं पाया, और कर्जा नहीं पटा पाया तो बेटा क्या हुआ, परिणाम आप जानते हैं कि जब आप कर्जा नहीं पटा पाएंगे तो फिर जिससे आपने कर्जा लिया वो मनमानी करे। अगला क्वेश्चन बताइए, चीन ने पाकिस्तान के किस बंदरगाह को अपने ट्रांसफर बनाया, बताइए, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट, कौन सा पोर्ट बेटा, ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर में ग्वादर पोर्ट बनाया है, ग्वादर। ये समझिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक हम्बन टोटा है, देखो भारत को कैसे घेर रहा है, एक इस जगह पहुंच गया, एक इस जगह पहुंच गया, ऊपर से रोड बना ही रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक चीन ने बना ही लिया है, भारत को कैसे घेर रहा है। इधर म्यांमार में सैन्य शासन चल रहा है, सैन्य शासन मतलब म्यांमार में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है, सेना इस समय म्यांमार को चला रही है, और उसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, चीन, कौन कर रहा है, चीन, प्रत्यक्ष या मान लीजिए अप्रत्यक्ष मान लीजिए सपोर्ट करता है। तो भारत इधर से संकट से घिरा, इधर से चारों तरफ से चीन ने घेर रखा है। हाँ, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समझिए कि हम ऐसा नहीं है, शासन बड़े कठिनाइयों से चलता है, हम आपको टेंशन किस बात की है, हमारे आस की चीजें क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, हमको दिक्कत यह है कि पनीर क्यों अच्छी नहीं बनी आज इतना मसाला डालने के बाद भी, लेकिन सोचिए इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चलते हैं, और सारा ट्रेड सारा फाइनेंस सब ऐसे ही चलता है, इनको समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, तो अब इसको काउंटर करने के लिए भारत ने भी एक काम किया हुआ बेटा, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने बनाया तो भारत बोला हम चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, भारत ने भी एक पोर्ट डेवलप किया, बताइए चाबहार, कौन सा बेटा, चाबहार, ईरान में, कहां पर, ईरान, चाबहार पोर्ट भारत ने डेवलप किया अपने पैसे से, ठीक, क्लियर है आपको, इनको पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा बताओ जल्दी से, मोहित, हो गया आज का ये, चलिए, तो ये हम लोग के कल के लास्ट क्लास के क्वेश्चंस थे, ठीक है। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में बनाया है किसने, चीन ने कर्जा दिया, श्रीलंका ट्रैप में फंस गया और सब कुछ मटिया मेट हो गया, किसका, श्रीलंका का, श्रीलंका भारी कर्जे में आ गया, अभी कुछ दिन बहुत कर्जे में है वो बेचारा, ठीक, यही कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जितना चद्दर हो हमेशा उतना ही पांव फैलाना चाहिए, ठीक, समझ रहे हैं बात को। चले आगे, हम्बन टोटा, फिर पाकिस्तान के ग्वादर में चीन ने डेवलप किया है ग्वादर पोर्ट, ऊपर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे ORoB वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव कहते हैं, पाकिस्तान के इस पोर्ट से, देखो ध्यान से, ये जो क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया है 1962-65 के आसपास, यहां पर पाकिस्तान था, ये हमारा, देखिए ये जो हमारा ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, POK, और ये एरिया भी चीन पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान ने इस एरिया को किसको बेच दिया, चीन को बेच दिया, और ये एरिया 1962 के आसपास जो हमारा युद्ध हुआ था उसको चीन ने हथिया लिया, इसको कहते हैं अक्साई चीन, कौन सा कहते हैं, अक्साई चीन या चीन, ठीक। तो अब देखो चीन क्या कर रहा है, इस रास्ते से होकर के रोड बना रहा है, और आधिकारिक रूप से जब 32,87,263 हम भारत का क्षेत्रफल बोलते हैं तो ये सारा कुछ किसके क्षेत्र में आता है, भारत के क्षेत्र में आता है, लेकिन ठीक है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया और ये चीन ने हथियार रखा, ठीक, समझ रहे हैं बात को, तो इसको समझिएगा, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है सब कुछ जानना, ठीक है ना, समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग नोट करिए, चलिए भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, हाँ जी, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, चलो ये आज का क्वेश्चन लिखो,
कल पढ़ के आना, भारत में वर्तमान में कितने राज और कितने केंद्र शासित प्रदेश, बड़ा सरल सा प्रश्न है, बड़ा सरल सा प्रश्न है, मैक्सिमम लोग आप इसका आंसर जानते होंगे। लिखिए एक क्वेश्चन और, हाल ही में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है? हाल ही में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है? ठीक, हाल ही में किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी अब चेंज हो गई है ना। तो अगला क्वेश्चन लिख लो, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब आप लोग केंद्र शासित लिख रहे हो तो अब एक क्वेश्चन और लिखो, ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपको चीजें लिंकअप करके। लिखिए, ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें, अब डैश करके 1 2 3 लिखते जाना, डैश करके 1 2 3, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कई सारे। एलजी हैं, एलजी मतलब उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक। दूसरा प्रशासक हैं, मतलब जहां पे एलजी नहीं वहां पे प्रशासक होंगे। तीसरा विधानसभा है, तो अगर विधानसभा है तो वहां पर मुख्यमंत्री होंगे, तो चौथा लिख लो मुख्यमंत्री हैं। और कौन है, किस पार्टी के हैं, कितनी सीट हैं विधानसभा की और कितनी सीट हैं लोकसभा की, कितनी सीट हैं विधानसभा की और कितनी सीट हैं लोकसभा की, ठीक, समझ रहे हैं? ऐसे आपको याद करना, इसी जगह पे नोट कर लीजिएगा, भले आपकी ज्योग्राफी की नोट से क्या हुआ, ये डिटेल आप यही नोट करिएगा और मैं कल पूछूंगा आप लोगों से ये सब कुछ, ठीक। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको कुछ बताया था, आज आप लोग ये नोट कर लीजिए कि भारत का जो सीमा है ये आपने देखा कई सारे देश हैं, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, यहाँ पे सब लोग यहाँ बोर्ड में देखो मैं जो समझा रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए और उनकी भारत से कितनी कितनी सीमा लगती है, ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। दो जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है। हालांकि मैंने प्रश्न आप लोग से